जूनागढ़ में शिवरात्रि मेला ने लई अखाड़ा महंतों अधिकारी वच्चे आखरी बैठक योजाई थी। आती काले साधु संतो द्वारा ध्वजरोहण कर मेला प्रारंभ थशे। महाशिवरात्रिना मेळाने लईने अधिकारीओने साधु संतो वच्चे अनेक बैठको थई हती, परंतु मेळो चालू राखवा साधु संतो वच्चे विवाद पण थयो हतो। परंतु आज भवनाथ मंदिर खाते गिरनार क्षेत्रे पीठाधीश्वर जयश्री कांजी माताजी ए महामंडेश्वर भारती बापुनुं स्वागत करी भवनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी घणा समयथी मेळो थवानी चर्चा विचारणा वच्चे अने कोरोनानी महामारी वच्चे घणा समयथी मेळाने चालती चर्चानो अंत आव्यो छे। महाशिवरात्रिना मेळाने लईने वहीवटी तंत्र अने साधु संतो साथे महत्वनी बैठक योजाई हती। त्यारे बैठकमां महामंडलेश्वर भारती बापु, गिरनार क्षेत्रे पीठाधीश्वर जयश्रीकांत महाराज, अधिक कलेक्टर अंकित पन्नू, दिवा एसपी प्रदीप सिंह जाडेजा उपस्थित रहा हता। बाइट अंतिम महामंडलेश्वर भारती बापुए जणाव्युं छे कि 5-7 अन्नक्षेत्र अने तेना सेवकोने जरूरियात प्रमाणे आवा देवामां आवशे। त्यारे आवतीकाले सवारे 10 कलाके भवनाथ मंदिरे अंदर ध्वजरोहण करी मेळानो प्रारंभ करवामां आवशे। साधु संतोनी जीरवाड़ी निकळी छे ते एक धामधूमथी निकळशे तेवुं जणाव्युं हतुं। आज प्रशासन के साथ भारती बापू की और पीठाधीश अने इंदिरा भारती बापू की जो मीटिंग हुई है उसमें तय हुआ है कि कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से ही मेला होगा, तो मेला इस बार बंद रहेगा। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि प्रशासन का और यहाँ पे सभी अखाड़ों का साथ दें, अच्छे से कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक जो महाशिवरात्रि है उसको मनाएं। धन्यवाद। महादेव की जय। आज महाशिवरात्रि मिलना वर्तमान समय में चालता विवादों अंत लावा माटे अमरा श्रीपंत दसनाम जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर श्री जयश्रीकांत भारतीगिरीजी, अमरा अखाड़ा संरक्षक श्रीमद हरिहरन भारतीजी, इंद्र भारतीजी महाराज, हरियानगीजी महाराज, सौ साथे रहीने समस्त संतोनी हाजरी में प्रशासन शासन मंडळ साथे रही अने एवो निर्णय लीधो छे कि आ कोरोनानो महाकाळ छे अने कोईने कोरोना लागे तो आ एक जेटलो चेपी भयंकर रोग छे, तो एनु पण आपणे संरक्षण करी शकीए अने आश्रमनी मर्यादाओ सचवाय, अखाड़ाओनी मर्यादा सचवाय। दर वर्षे जे रीते नवमीए એટલે આવતીકાલે ધજારોહણ પણ ધામધૂમથી સંતોની હાજરીમાં સંતોની ઉપસ્થિતિમાં શ્રીપંચ દસનામ જૂના અખાડા, શ્રીપંચ દસનામ આવાહન અખાડા અને અગ્નિ અખાડા ત્રણેય સંતો સાથે રહી અને ભવનાથ મહાદેવમાં ધજારોહણ થશે, પછી શ્રીપંચ દસનામ જૂના અખાડામાં થશે, પછી શ્રીપંચ દસનામ આવાહન અખાડામાં ધજારોહણ થશે, પછી ભારતી આશ્રમમાં થશે અને પછી ઇન્દ્ર ભારતીજીને ત્યાં થશે। એવી રીતે આ ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ આવતીકાલે 11 વાગે લગભગ સંપન્ન થશે। તારે 10-11માં આપણે બધા સાથે રહી અને મીડિયા દ્વારા સારા સમાચાર લોકોને સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરીએ। વિરાજ ચૌહાણ સાથે શોક બારોટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ।